नांदेड़ पुकार न्यूज 24 में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। इनामदार कॉलोनी के लोगों पर गौस इनामदार की दादागिरी। नांदेड़ शहर के प्रभाग क्रमांक 11 की इनामदार कॉलोनी में समस्याओं को लेकर लोग हुए परेशान। पिछले कई सालों से यहां पर लाइट, नल, पानी, रोड, नालियां नहीं है। इस एरिया को स्थानीय नगर सेवकों का ध्यान नहीं है। लोगों ने बताया है कि हफीज इनामदार, गौस इनामदार, सरवर इनामदार, इन लोगों के डर से यहां पर कोई भी काम नहीं होता और ये लोग काम नहीं होने देते। इन लोगों पर प्रशासन ने कड़क कार्रवाई करें, ऐसी मांग स्थानिक लोगों ने की है। मूलभूत सुविधा पशुन खाला, क्या हुआ आला है यहाँ पे, क्या क्या चीज की प्रॉब्लम है यहाँ पर? हमारे गली में है ना, हादसा हो गया आला है तो पूरा घर के घर बढ़ गया था जल के। तो यहाँ पर कोई ऑफिसर आया ना, कोई सेठ आया ना कुछ आया। हम इनामदार के यहाँ के भी आके गए, हम करते बोले, उन्होंने कुछ काम नहीं करे। इसलिए फिर एक बार में गौस इनामदार, हाफिज इनामदार और उनकी तकलीफ हमारे आना है, नाली लेन देर ना। क्या क्या चीज है यहाँ पर जो नहीं मिली भी? आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं? हमारे 10-15 साल हो रहे हैं यहाँ पर आके। जी 10-15 साल से हमारे को हर चीज की तकलीफ है, नालिया की, लाइट की, नल की, हर चीज की तकलीफ है। अकोड़े काट है तो अकोड़े भी काट दे रहे थे। फिर यहाँ पे बोलने को आए तो हम सब गली के लोग जाके वहाँ पर बोले तो वो लोगों ने काटे नहीं, हमारे पास आओ बोले, सब डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने बोले कि भाई माफी चाहती मैं तुम्हारे से बोले, और रात पे मेरे को या आगा बोले यहाँ पे हम दे नहीं सकते बोले, हमने तुम्हारा बुला के यहाँ पर तकलीफ करे बोले। गली के काफी लोग हैं यहाँ, 300-400 घर है गली के, 300-400। आप गए थे महापालिका? सब गए थे हम सब महापालिका में गए, वहाँ पर गए, सब गए, डॉक्यूमेंट लेके आओ बोले, हमने डॉक्यूमेंट लेके गए दुनिया का पैसा खर्च के। वहाँ पर वो लोगों ने बोले माफी चाहते बोले, हमारे को साहब में जो ये आगा बोले, लेटर आगा बोले, हम नहीं दे सकते बोले। थोड़ा सा कि यहाँ पर ऐसा क्या चीज है जो रोकते हैं, और कौन लोग हैं जो कामों के हद तक अड़थड़ा डालते हैं? रोड नहीं, नाली नहीं, बच्चों को गंदगी में रहना पड़ता, बीमारियां होती, इसका कारण क्या है? तो ये इलेक्ट लोग हैं, इनामदार लोग, इनामदार कौन है? गौस हफीज भाई, इन दोनों नल ले दे रहे नहीं, लाइट ले दे रहे नहीं। कि गौस ने बोला था कि तुम्हारा को हम सब देते, और बाद में बोले तो उन्होंने आए नहीं, उन्होंने आए नहीं, बाद में हमको बोले थे उन्होंने। क्यों है, इसका कारण क्या तो है? वो इनामी है कहते, उनकी पैसे दो बड़े तो आपने जमीन पे कब्जा किया है या नहीं? नहीं, पैसों से लिए, मुखिस सेट करने से हमने जमीन, हाँ रजिस्टर यहाँ है हमारे पास, रहने के बावजूद भी सता रहे हम आपको तकलीफ दे रहे। क्या क्या नहीं है यहाँ पे? घरकुल कभी आया? घरकुल नहीं आया, रोड नहीं, नल नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, हम आपको राशन कार्ड नहीं हमारे पास। आप यहाँ रहने के बाद भी समझो कोई भी चीज आपको नहीं, कुछ नहीं है। और हमारे को आके आज 15 साल हुए, ना पानी है, यहाँ से वहाँ से पानी ले रहे हम। इससे पहले एक 2-3 साल पहले एक घर में करंट उतर गया था, उसके कारण क्या था? ये वायर लिया आला था, वायर में से वो शार्ट कैसा उतर गया की तो चार बच्चे, बाप माँ, ऐसा 6-7 आदमी का इंतकाल होगा। जब भी गौस आए हमको बोले बोले खाला हम तुमको लेके देते, तो हमने जब है कि नहीं सब ने एक जगह करके गए वहाँ पे, तो वहाँ पे गए तो उन्होंने बोली सुबह में आओ, सुबह में गए तो उन्होंने हाफिज बंद कर दी। क्यों ऐसा? तो बोले हमको इजाज़त नहीं है बोले हाफिज इनामदार की, ऐसा बोल के बोली उन्होंने। अब दोबारा गए तो कोई हमको बाद में यहाँ नाके पे भी गए। अभी भी यहाँ पर लाइट जो है तो एक घर से दूसरे घर ऐसे लिए हुए हैं, इसमें कुछ हो सकता है? हाँ, इसमें इसका जवाबदार कौन रहेगा? कौन रहेगा? हाँ बिल्कुल, वायरल ले आले इनामदार रहेगा, हमको नहीं लेने दे रहे दोनों। तो इतने बड़े हादसे हो गए, इतने सालों से वोट है करते हैं, हाँ, करते करते हुए आए। तो आपने कभी कोई नगर सेवक को या पुलिस बोले बोले नगर सेवक करने गए थे? इनामदार ऑफिस इनामदार सरवर इनामदार, हां शेर अली नहीं, मसूद मसूद, हां उसका ने गए थे हम, तो उन्होंने बोला हम ये एरिया में आते नहीं। शेर अली गाने गए तो शेर अली नगर सेवकों को भी ये लोग नहीं आने दे रहे। शेर अली गाने गए, शेर अली को बुलाए हमने, शेर अली ने बोला भाभी बोले तुम ये एरिया में रहे बोले, शेर अली हमारा देवरी है तो बोले तुम यहाँ पे आके रहे भाभी बोले, इसका कुछ मतलब नहीं है बोले। और हमारे कने आया उन्हें हाव 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 करा, बाद में उनको जाके बात कर लिया उन्होंने। सिकंदर भाई आए थे, उन्होंने बोले हम तुम हमा कोड डालो बोले, हम जितना चाहे हम लड़ सकते, तुम्हारे सब कुछ दे सकते बोले, तो उन्होंने आए नहीं। से आप कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं? इससे पहले भी यहाँ पर रोड, रास्ता, नाली नहीं थी, और आज भी 15-20 साल के बाद भी यहाँ नहीं है, इसका कारण क्या होता है? क्या इसका मेन कारण है? गौस इनामदार, हफीज इनामदार, वो सरवर इनामदार, लेकिन ये इनामदार मेरे हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि इनके जो बाबा थे हाजी खमरुद्दीन साहब इनामदार, उनके वारिस 10 में इन्हों 4
चौथे इनामदार है, पांच जो है सो जो बचे हुए है उनकी आज तक कोई तकलीफ नहीं, और गवर्नमेंट भी या हाई कोर्ट भी उन पांच इनामदारों का कोई आज तक ये मंगा ही नहीं कि भाई तुमको ये एरिया से क्या तकलीफ है। जो लोग यहाँ 20 साल से 25 साल से रह रहे उनको नाली नहीं लेने देते, रोड नहीं लेने देते, ड्रेनेज के काम दो बार मंजूर हुए वापस चले गए, बिल चाहे दिन उन्होंने उठा के खा गए। रोड एक मेन रोड डाल रहे थे उस गुत्तेदार को भी 4 साल रोका गया, कुछ पैसे मिल जाने के बाद वो एक रोड का काम हुआ जो मेन रोड उनके घर के सामने से जाती। इन्हों अपने आप को रखवालदार बोलते, मेरे हिसाब से रखवालदार चोर है ये, और इन्होंने सारे महल्ले को सारी सुविधाओं से दूर रखा है। और इसके अलावा हर घर में अगर किसी 5-10 घर के बाद 1-2 मीटर है भी तो उन लोगों ने 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये अपने बच्चों का इसका जेब काट के वो लोगों को दिए, तब जाके ये एरिया में 10 से 20 मीटर है। जब 20 मीटर है और 500 मकान है, 500 मकान वालों को लाइट की ज़रूरत नहीं है क्या भाई? ज़रूरत है, गवर्नमेंट क्यों नहीं समझती? म्यूनसिपाल्टी का टैक्स इतने दिन से डूब रहा, कोई इसे देखने वाला नहीं। भाई ये सब लोगों को घर नंबर दिया गया तो म्यूनसिपाल्टी का टैक्स जमा होगा, टैक्स जमा होगा तो गवर्नमेंट के खाते में पैसे आएंगे। ये ज़मीनों को खुला कर दिया गया जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, ये रखवालदार है, रखवालदार भी नहीं है सिकमेदार है। सिकमेदार होने के बावजूद ये लोग इतनी दादागिरी कर रहे कि ये हमारी है, बुलडोजर लगा के तुम्हारे 20 साल के घर तोड़ देते, तुम्हारे बच्चों के समेत हम दफन कर देते। इतनी हुकूमत ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण अब ये कोई जिम्मेदार न होते हुए भी इन्हों कोर्ट का सहारा लेते कि भाई मेरे पास कोर्ट के ये ऑर्डर है, मेरे पास कोर्ट के फुला ऑर्डर है, बोल के डरा के पैसे मांगते, पैसे देने के बाद भी बदल जाते। ये गुनेगार लोग है, ये गुनेगार आज तक इनके ऊपर 300 गुना है मेरे मालूमात के हिसाब से, मर्डर केस से लेके हर वो गुना ये करते आ रहे। कुछ लोग डर के आज तक पुलिस स्टेशन में नहीं गए, सिर्फ मैंने एक बार थोड़ी सी आवाज उठाने की कोशिश की तो मेरे को 3 वक्त पुलिस स्टेशन बुलाया गया और मेरे पे 3 केस दाखिल कर दिए इन्होंने, झूठे केसेस दाखिल कर दिए। मेरे को डराया गया, मेरे बच्चों को तलवार देके, उनके बच्चों को तलवार देके मेरे घर पे भेजा गया। मैं यहाँ का 20 साल का रहवासी होने के बावजूद ये लोगों ने मुझे गुंडा कहा पुलिस स्टेशन में। पुलिस मेरी पहचानत है, मैं ऊपर तक असर रसूख वाला हूँ, मैं कांग्रेस में भी रह वाला हूँ, राष्ट्रवादी में भी रह वाला हूँ, बीजेपी में भी आ गया। अब बीजेपी के वास्ते 200-200 रुपए के औरतें लेके वो जाते और कुछ भी बोलते। जो औरतों ने परसों बयान दिए उसमें से एक औरत भी सर्वे नंबर 15 में रहने वाली है, ऐसा जिस दिन साबित कर दिए मैं ये पूरा सर्वे नंबर क्या नांदेड़ छोड़ के निकल जाऊंगा। क्योंकि ये कहाँ के औरतें लाए थे, पहले गवर्नमेंट ने पुलिस ने उसकी इंक्वायरी करना चाहिए। जो है तो दिशा भूल किया जा रहा है, दिशा भूल किया जा रहा है गवर्नमेंट की भी दिशा। हाँ मुझे कांग्रेस, मैं कांग्रेस वाले हाँ ये कर रहे बोल के गलत प्रोपेगेंडा करके एक पार्टी की सहानुभूति जो आज नेशनल लेवल पे पार्टी है जिसका दबदबा है, उन्होंने ये समझ रहे कि मैं ऐसा अगर साबित कर दूं कि कांग्रेस ये करवा रही है तो मेरे साथ में पूरे बीजेपी के लीडर मेरे पीछे हो जाएंगे और मेरा जो है सो काम हो जाएगा। हाँ जो आज तक गुनाह मैं जो करते आया वो सब पे जैसा पर्दा गिरा वैसा पर्दा नहीं गिरा। अगर शासन ने इसमें दखल नहीं लिया तो अब हम कानून, ये 500 घर वाले अब ये खुला ऐलान कर देते कि अब हम कानून हमारे हाथ में लेंगे और हफीज इनामदार, गौस इनामदार और सरोवर इनामदार का फैसला जज भी हमिज, कोर्ट भी हमिज और पुलिस भी हमिज, ऐसा करके आप करके बताने वाले। 15 सालों से आप यहाँ रहते हुए आए हुए हैं, यहाँ पे नाली नहीं, रोड नहीं, रास्ता नहीं, लाइट नहीं, यहाँ तक के कई अपघात हो गए हुए हैं। तो ये इसके बाद भी आप इकट्ठा होके लोग महापालिका कलेक्टर के पास साहब हो, उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, पहली बात यहाँ पे जो भी रहने वाले लोग है वो रोज मजदूरी पेशा है, सुबह में जाना तो शाम में चूल्हा जलना, सुबह में काम को जाना तो शाम में चूल्हा जलना, और इन्हों आते वक्त अगर रास्ते में थप्पड़ भी मारे तो खा के घर को आ जाना। इस वजह से ये लोगों की दादागिरी आज तक चलती है। यहाँ कोई पैसे वाला बड़ा आदमी या कोई एजुकेटेड फैमिली का वकील वगैरह कोई रहने वाला नहीं है, ये सब बागवान के गाड़े, रोज मजदूरी, रोड पे कामा करने वाले, खड्डे खोदने वाले, ये ऐसे मजदूर पेशा लोग है। इसकी वजह से इन और उन वो क्रिमिनल है, उनके ऊपर रेप केस भी है, उनके ऊपर 2 मर्डर केस भी है, उन्होंने मेरे मालूमात के हिसाब से चोर भी है, बहुत से कामा करे हुए, और उनके पास टीम है, एक मीडिया है, यानी कि एक लोग पाले हुए उन्होंने 200-200 500 रुपए रोज से लोग
जमा किए हुए। ये लोगों ने आजकल गुने करते जा रहे हैं, इन पर इतने सारे गुने हैं तो डाले थे वो भी बोलो। लोगों का पुलिस का ये डराना है और ये घर खाली करके भिजाना है, हाँ, इरादा है उनका इरादा है। मैं बुलडोजर लाऊंगा और ये पूरा एरिया फिर से बेच के खाऊंगा डबल से। पहले बेच दिया, कम पैसे आए थे, मेरी हवस बुझी नहीं, मेरे को पैसा मिला नहीं, आप करोड़ों में आएंगा। मैं एक दिन हाईकोर्ट के ऑर्डर लेके आके ये लोगों के ऊपर से पूरा बुलडोजर चला के जियो, जो जनता मालक है इस देश की, इस जमीन की, जो मुसलमान औकाफ वोट का, औकाफ की जमीन, मस्जिद की जमीन, मुसलमानों की जमीन, ये सिर्फ रखवालदार थे। कब तक? जब तक ये जमीन खुली थी, जमीन पे खेती की जाती थी। आज ये जमीन के ऊपर 500 से 700 मकानात है। गरीब गरीब लोगों ने पैसे कहाँ से, कैसे कैसे, दो दो रुपये मजदूरी करके जमा करके लिए। वोट भी है यहाँ पर, हाँ वोट भी है। लोक प्रतिनिधि चार है एक छोड़कर, हाँ। तो लोक प्रतिनिधि चारों नगर सेवक में से एक कोई अगर से आता है तो उसके लिए क्या करते वो लोग? डरते, उनके पास भी पैसा बहुत होने वाला है, काउंसलरों के पास, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। ये लोग मारने तोड़ने वाले है, कल घर में घुस के अगर इनका मर्डर होगा तो मेरा पैसा कौन खाएगा, इसलिए वो डर इनको सता रहा। जो मेंबर कुछ भी नहीं करते, आज मेंबर कोई चुन के आया है ही नहीं, वैसा मेंबर नहीं है मेरे हिसाब से। जो लीडर कौम की रहबरी करने वाला कोई लीडर नहीं है। वो लोग ये सोचते कि भाई ये लोग है क्रिमिनल, अगर मैं इनके नात को लगूंगा, इन्होंने 10-20 बच्चे भेज के अगर मेरा मर्डर करा दिए तो फिर मेरे पास तो सब कुछ सुविधा है, हाँ। वो हुकूमत कायम करके चल रहे आज तक, और उसी जोर पे कई लोगों को मारा, कई लोगों के पुराने नुजुल नामे मंगा के फाड़ दिए इन्होंने, तो भी लोगों ने केस करने के लिए तक गए नहीं, क्योंकि उनको पुलिस स्टेशन का रास्ता मालूम नहीं, उनको जो है सो कानून का रास्ता मालूम नहीं। इन्होंने चार इंग्लिश के पेपर लेके आ गए, मेरे पे एक केस हुआ, तो वो PSI से मैंने पूछा, इन्होंने करे मेरे मकान के ताल्लुक से, तो मैंने PSI से पूछा साहब स्टे है क्या, स्टे है बताओ कब का है, वो बोला मुझे नहीं मालूम हो रहा, बोले वो इंग्लिश में 25 पेज का है, बोले वो मेरे को नहीं समझ रहा, बोले कौन सा स्टे है और क्या है। मैं औरंगाबाद वकील को बात करता हूँ और उसका रिजल्ट ये मंगाता हूँ, बोला बोर्ड में भी अपनी मनमानी कर, मनमानी हर नांदेड़ में ऐसी जगह है वक्त की जो उनके इनामी इनकी खुद की ऐसी बता कि ये लोगों वक्त में भी वक्त बोर्ड को पूरा वक्त बोर्ड मेरे जेब में है बोलते हैं, वक्त बोर्ड वालों को ऐसा खंजर लगाया हुआ मैं खुद देखा। वक्त बोर्ड के ऑफिसर एक आ गया था टेढ़ा, तो उसको ऐसा खंजर लगा के सीधा करे इन्होंने, और उन्हें डर का जान दो भाई अपने कितने दिन ड्यूटी करने की है, ये लोग ऐसे दिख रहे हैं यहाँ, जो कर रहे करने दो, अपने को क्या लेने देने का है, ऐसा बोल के उन्होंने भी टाल दिया। जब जब भी कोई मदरसे का भी कोई काम आया यहाँ के दीनी मदारसी का, तो वक्फ बोर्ड में गए, नहीं 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 बोले इनामदार की इनूसी लाओ। इनामदार की इनूसी मंगाने वाला वक्फ बोर्ड होता कौन? वक्फ बोर्ड बड़ा है या इनामदार बड़ा है? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वक्फ बोर्ड बड़ी है या इनामदार बड़ा है? इनामदार भी नहीं है, हाजी खमरुद्दीन इनामदार थे, उनके 5 बेटियां और 5-6 बेटे, वो इनामदार थे बड़े। वो बड़े सबका वारिस का आप ले, उनका उनके उनकी भी जुबानी सुनो, उन्होंने ये लोगों के पक्ष में है या बाहर है? फिर ये अकेला ही हफीज इनामदार कहाँ से इनामदार हो गया भाई? ये तो सिगमेदार भी नहीं, नौकर भी नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ का कुछ भी नहीं है। क्योंकि बड़े वारिसों के हिसाब से सोचे तो वारिसदार तो वो 5 हुए पहले, वो पहले 5 हुए, उसके बाद ये छठा हुआ। आने वाले दिनों में बरसात भी शुरू होने वाली है, आज ये महीना रमज़ान का पवित्र महीना माने जाता है मुस्लिम समाज का, इस पवित्र महीने में यहाँ पे गंदगी के दुनिया की आसारत और बरसात में भी हो सकते हैं, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये गलीजी के लिए आप वो बोलने के गए, कोई नगर पालिका वाले देखने के लिए खाली नहीं है, और यहाँ पे सब नगर पालिका के लोग साहब लोग जो है तो ये इनामदार से डरते। ये इनामदार कौन है? इनामदार सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा चोर है। बड़ी रोड बनी गई, बड़ी रोड बनी तो उसके तुफेल में नहीं बनी। अच्छा। उन्हें रोक रहा था, नहीं बनने दे रहा था उसको, उन्हें दूसरे मिलके बनाए, पैसे उसको पैसे देके बना लिए। मतलब यानी कि कोई भी काम करता आने से पहले रोक लेते उसको, मामूली अगर आपको नल लेना है तो उनको पैसे देना चाहिए, पहले पैसे मांगते वो लोग, 2,000-5,000 देना तो आप नल ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते। जिसको जरूरत है उन्होंने लेते, तकरीबन लोग अगर इसके ले लिए वाले हैं, मीटर तो नहीं लेने देते। मीटर का क्या वजह क्या आती है उसमें? NOC लगती है MSCB को, तो वो NOC दी जाती है? नहीं दी जाती, तो नहीं दी जाती। महापालिका का घरपट्टी टैक्स भरते है क्या आप? क्या वजह क्या है? कुछ ही नहीं भरते अभी हम, वजह क्या है? कुछ ही नहीं भरते, इन्होंने भरने नहीं देते। वहाँ गए तो बोलते इनामदार की दस्तखत लाओ, उसके बाद मिलेगा। इनामदार के बिना जमदा नहीं, इसमें 6 इनामदार है, 6 में से 5 इनामदार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 5 जो बड़े है इनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इन्होंने 5,000 रुपये देना, जब इन्होंने चौथा इनामदार ये है हफीजुद्दीन, इनका बेटा सवा गौस मोहम्मद गौस सरवर, ये 3 बेटे हैं, इनके तीनों चारों पांचों बेटे हैं,
ये पांचों का भी नाम है। कैसे करते ऐसे बताते कि भाई हम तुमको ले देंगे नहीं करते, ऐसा गुनहगार है बोल के नहीं करते, गुनहगार बनाते लोगों को, तुमको मार देंगे, जान से मारेंगे, ऐसा करेंगे बोल के धमकी। इनपे बहुत कुछ गुनाह है, इन्होंने एक टाकी के अंदर मर्डर करे, रेप केस का डाले वाला है, टाकी के इसके अंदर डाले थे गटर के अंदर, वो एक है, उसके बाद एक चोरी के केसेस है, ऐसे कई केसेस है उनके ऊपर, मर्डर केस है, बहुत सारे केसेस है उनके ऊपर, अभी भी फरारी में है उन्होंने। पुलिस का इन पे वचक कुछ ऐसा नहीं लगता है? कुछ नहीं, पुलिस की वचक है, इन्होंने बोलते हैं पुलिस हमारे जेब में है, इनका बोलना है कि पुलिस हमारे जेब में है, हमारी पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ये लोग जितने बैठे हुए 500 लोग अपने खरीद के लिए हुए हैं, तो इनका इरादा क्या है इसके अंदर? क्या इनका इरादा ये है कि भाई हमको रोड नालिया सब होना जरूरी है, उसको इनामदार को यहाँ से हटा दें, लोगों का इरादा खाली करके भाग जाना, वापस पब्लिक ने पूरी भाग जाना। हाँ, इनको कब्जा करना, इन्होंने औकाफ वालों को ये भी लाए कि भाई ये रातों रात कब्जा करे, औकाफ वाले इनसे ये भी बोले कि भाई ये जो कब्जा करे तो किस बुनियाद पे करे, ये जो बिल्डिंग बने तो तुम कहाँ गए थे? तो बोले मैं गाँव को कहा था, तो क्या एक दिन में बिल्डिंग बनती क्या? बोले उनको वापस बोल के उन्होंने चले, फिर भी उसके बावजूद भी ना लेने सबका प्रभाव है, सबके पास बाउंड है, किसी के पास रजिस्ट्री है, बाउंडा इन्होंने रजिस्ट्री जब बन रहे थे, इन्होंने बाउंडा बनाने लगाए, रजिस्ट्री रोक दिया, रजिस्ट्री ऑफिस जाके रजिस्ट्री करके नहीं देना, मेरी जरूरत मिले उनको सरकार से मांगे। तुम तो लोग महापालिका के जो नगर सेवक रहते उनके पास गए, आमदार कने भी जा सकते, मगर वो लोग उनसे डरते हैं, ऐसा आपका बोलना है? हाँ। तो आने वाले दिनों में जैसा आपको बच्चे बड़े होंगे, कल कोई रोड रास्ते नालियों का मसला है, घर कुल नहीं आए, तो इसके वास्ते आप क्या मांग करना चाहेंगे? हमको रोड नालिया लाइट वगैरह मिल गया तो बस है, हमको दूसरा कुछ लेना देना नहीं है। आपको डर है क्या? ये लोग डर है इनसे कि भाई ये हमको डराते, ये हमको खुद से मुहर्रम में खुद से रोड पे बनाने नहीं देते, रात बे रात का हम खुद से अगर हमारे घर के सामने कीचड़ हो रहा डालेंगे तो नहीं डालने देते लोग, रात बे रात का डराते धमकाते। हिटलरशाही करते, हिटलरशाही की हुकूमत करते लोग, तो रात के टाइम में जैसा कि मारते तोड़ते हैं, मारते तोड़ते इन्होंने, डराते धमकाते, रास्ते से अगर चलने लगे अपन आप इंटरव्यू दिए तो आगे चल के घूर के देखते। अच्छा, ऐसा हमारे खिलाफ बात किए बोल के, यानी के खिलाफ हाँ, बात नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका बोलना, इनका बोलना ऐसा है। यहाँ तक कि अभी हम अली भाई के साथ रहते जी, तो अली भाई के साथ अगर दिख गए, हाजी भाई के साथ दिखे उनके भाई के छोटे, तो इन्होंने घूरते क्यों घूर रहे, क्यों जा रहे उनके साथ, वो भी इनामदार है, उनसे क्यों हमको शिकवा नहीं है? हमको सिर्फ शिकवा इनसे है, पर लोग रहते हैं इनामदार, मगर उस इनामदारों में से ये इनामदार जो है तो तकलीफ है, तकलीफ यार। सब पांच छह भाइयों में ये एक ही भाई ऐसे है, इनकी ख्वाहिशात ऐसी है पैसे के पीछे। आज इन्होंने ऐसी घर बनाए, बोले मैं रखवालदार हूँ इसलिए मुझे औकाफ ने इजाजत दी, बोले एसी है घर में और कम से कम 150 आदमी माने के जैसी बिल्डिंग बना ली है। औकाफ के हिसाब से जो इनामी जमीन होती है उस पे करके खाने के करके लिए खाने के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, तो भाई ये लोगों ने पहले गलती कर ली है, ये गरीब लोग थे, कम में मिल रहा है ये देख के ले लिए, इनको मालूम नहीं अब लेना है। आप हजारों इनामी जमीनों पे, बॉम्बे में वानखेड़े स्टेडियम इनामी जमीन में है, आज तक सरकार ने उसको क्यों नहीं ली भाई? कुछ भी नहीं लिया, फिर इनकी ख्वाहिश कैसी है कि ये पूरा एरिया मैं खाली कराता हूँ, बुलडोजर फिराता हूँ, तुम्हारे बच्चों पे लाशा गिरा देता हूँ। पहले ऐसा कुछ प्रकरण हुआ है कि एक फ्लैट का जो तो 420 का केस हुआ, ऐसे कई केस है क्या इनके ऊपर? 300 केसेस है, मैं कितने सुनाऊं अब तक के, अगर इनका पूरा उनके बाबा का हफीज इनामदार से लेके सरवर इनामदार, गौस इनामदार, इन सब के केसेस निकाले तो 300 केसेस मेरे मालूमात के हिसाब से। कितने? सरकार सो रही, गवर्नमेंट सो रही, पुलिस सो रही, कलेक्टर सो रहा, प्रशासन सो रहा, क्योंकि सब इनसे डरते। आज मैं समझता हूँ औकाफ का अधिकारी भी इनसे डरता आता नहीं इनके बीच में, जबकि इन्हों कुछ है ही नहीं औकाफ के। इनके बड़े भाइयाँ थे, उनके जवाब लो, अगर वो पब्लिक के खिलाफ देते हैं, पब्लिक खराब है, तो 500 घर खाली करो। 500 घर सही है या एक इनामदार सही है, पहले ये साबित करो। यानी कि झूठे बॉन्ड बनाना, झूठे केसेस करना, इनका धंधा है, और इन्हों सबको डराते कानून से। कुछ भी होगा मैं दो एप्लीकेशन दूंगा, तेरे को तीन पेशियां लगा दूंगा। लोग बोलते भाई ये काम है रोज रोजी करने वाला, कहां पुलिस स्टेशन में जाके बैठूं, डर लगता। अबे मेरा खुद का 20 साल का मकान मैं खोल के उसको खाली थोड़ा सा रिपेयर करने गया, मेरे पे चार केसेस कर दिए उन्होंने, वहाँ बुलाए, वहाँ दो दिन बिठाए पुलिस स्टेशन में, वहाँ बिठाए तहसील में बिठाए, यानी कि मैं फिर अब मैं रोज मजदूरी करने वाला, मानसिक तरास और कानूनी तरास, इनको कानून के ज्यादा मालूम हो गए। मैजिस्ट्रेट पैदा होने के थे उन्हों, मैजिस्ट्रेट नहीं पैदा हुए, गुंडे पैदा हो गए, ये एरिया के सबसे बड़े गुंडे। और यहाँ के समझो अब उन्हों अपने आप को ऐसा समझते कि ये जो पूरा एरिया है मैं यहाँ का बॉस हूँ, या यहाँ का मैं मुख्यमंत्री हूँ, अब मैं जो बोलूँगा सो होगा। और हो रहा वैसी, मैंने काउंसलरों से भी बोला कि भाई आप मीटिंग में रखो, तुम्हारा 1 करोड़ रुपया साल का नुजूल डूब रहा, सुनो जरा सुनो,
सरकार का ये 500 से 600 मकान का फी मकान को 1000 रुपये भी अगर म्यूनसिपाल्टी का सालाना टैक्स होता है तो 500 मकान का कितना होता, जरा जोड़ के बोलो भाई मेरे को। ये सब उन्होंने भरना, जब उनकी है ना तो उनके पाँच साल के पैसे सरकार ने उनसे लेना, उनका घर हराश करना, उसके बाद लोग भरेंगे। अभी तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम देते, हम चोर नहीं है। म्यूनसिपाल्टी का सालाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा, पूरे लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट पूरे के पूरे डाले हुए हैं, डायरेक्ट निकालने भी नहीं देंगी ये जनता, क्योंकि अगर म्यूनसिपाल्टी वाले निकालने को आएंगे तो 100-200 इधर के मरेंगे, 100-200 पुलिस वाले मरेंगे, क्योंकि होना ही है भाई। लोग जब यहाँ रहते हैं तो उनको लाइट चाहिए, सुविधा जरूरी है, वो लोग नहीं दे रहे मीटर, इसलिए डायरेक्ट लिए। तो ये चोर नहीं हुए ना, ये चोर नहीं हुए, ये इन्हों जो है सो अपना हक ले रहे, इन्हों जो ले रहे वो अपना हक ले रहे, और हक लेने के लिए लड़ने, हक के लिए लड़ना कोई बड़ी बात ये नहीं है, सत्याग्रह करना वो सब कुछ कर सकती। अब ये लोग नहीं लेने दे रहे तो गवर्नमेंट का तीन तरफ से नुकसान हो रहा मेरे हिसाब से। एक तो रजिस्ट्री का नुकसान, अगर ये लोग ले बेच करे, भाई मेरी बच्ची की शादी आ गई, अब मेरे को घर की जरूरत नहीं है, अब मेरे को ये मकान बेचना है, मैंने पहले लिए हुआ हूँ 25 साल पहले, और मेरे को बच्ची की शादी करना है। मकान लेने के बाद बिकते? हाँ बिकते ना जी। बिकते, लेकिन रजिस्ट्रिया भी होते थे अभी तक, अभी 9 तक 10 तक रजिस्ट्री होते थे, परसों से रोके इन्होंने। एक लेटर कौन सा ला लिए कि हाईकोर्ट का बना के, इन्हों खुद घर में स्टम्प रखते सब, इनके पास सब है, मैजिस्ट्रेट का, हाईकोर्ट, पूरे जाली कागजात पूरे इनके घर में है, और इन्हों अपने हाथ से मारते और ला के वहाँ कोर्ट दे देते। रजिस्ट्री ऑफिस में एक लेटर दे दिए कि भाई इनामी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होना, भाई इन्हों कौन औकाफ रोकेंगी, औकाफ वालों को भी दादागिरी करके लेटर देने लगाते इन्हों। भाई जब जनता यहाँ रह रही है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी है ना, औकाफ की जमीन बोले तो किसकी जमीन है, आखिरी को मुस्लिम जनता की जमीन है। आप कितने सालों से रहते हैं यहाँ पे? 12-13 साल के ऊपर हो गए, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, चिक्कड़ है पानी में, 4 महीने मुझे बाहर निकलने भी नहीं जमता, 4 महीने घर में रहना पड़ता है, करंट के भी बहुत कुछ मसले हैं यहाँ पर, करंट वायर पूरे इधर से लेके आए है दूर से। अब इससे पहले हमारे पास यहाँ पे एक हादसा हो गया था, 5 जनों मर गए, अभी करंट वैसे ही चल रहा है, अभी कोई इसका कोई जिम्मेदार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी जो भी है हमें अपनी मुँह का दम में उठाना पड़ता है। कौन लोग है जो आपको करने नहीं देते, आपको डर खौफ है, और इतना ऐसा दहशत क्यों निर्माण हुई है? देखो अभी सबसे ज्यादा तो हमें इनामदार की तकलीफ है हफीज भाई, अच्छा बाकी कोई नहीं, एक ही जो जिसकी ज्यादा तकलीफ है बोले तो हफीज इनामदार जैसा, लाइट नहीं लेने देते, नल नहीं लेने देते, फिर उसके अलावा यहाँ पे सभा लेके आते हैं, यहाँ पे सभा लेने के लिए सब बोलते हैं, हम मीठी बात करते बाद में कट कर लेते, कोई चीज की सुविधा अन देते नहीं, डराते भी उन्हों, पैसा 5000 रुपए। अच्छा लाइट क्यों नहीं लिए आपने? पैसे मांगते ना 10000 दो, पैसे हफीज भाई मांगते है, भाई आपको लाइट खोला हाँ। तो उसके वास्ते पैसे मांगे जाता है? हाँ 10000 रुपए दो, कुल में नाम डालने के लिए, यानी कि हर चीज के लिए पैसे लगते है। पैसे किसको, गवर्नमेंट को देना पड़ता है? नहीं नहीं इनको देना पड़ता है, गवर्नमेंट का तो अभी तक कोई हुआ नहीं, यहाँ पे इन्हों खुद गवर्नमेंट है, अभी 10000-5000 इन्हों ही दो बोलते, दूसरों का कुछ भी नहीं, हुकूमशाही चलती है या कोई गरीब देखे नहीं जाता? नहीं नहीं नहीं, इनके से कोई गरीब कोई अमीर कुछ भी नहीं, इनके से सब बराबर है। क्या क्या चीज है उसमें जो नहीं है यहाँ पर? यहाँ पे तो कुछ इतने, अभी फिलहाल लाइट नहीं है, नल नहीं है, रोड नहीं है, जो कुछ भी है सब पूरा टोटल यहाँ पे सुविधा कुछ ही नहीं है। फिर भी आप कितने सालों से यहाँ पे? अपने को 13 साल हो गए अभी पूरे। तो यहाँ पे जो ये लोगों ने रुकावे है, तो कभी इनके पास गए या पुलिस के पास गए तो आपको क्यों नहीं जाते आप लोग? महापालिका है, कलेक्टर है, पुलिस है, नहीं तो यहाँ पे सब गरीब तबका है, रोज करके खाने वाले, रोज 100-200 रुपए मजदूरी में क्या कमा के लगेंगे, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, तो रहते इस ऐसे दलदल में रहने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं आवाज उठाया जाता, इसका कारण क्या? मजबूरी, डरते लोग, कोई आते नहीं, प्रेस वाले भी कोई नहीं आते, और ऐसे मीडिया की जो शूटिंग होती है जी उसको भी खरीद ले जाता, वो आते नहीं वहाँ पे जी, बताते नहीं, यानी कि पुलिस प्रशासन से लेके मीडिया भी खरीद सब सब खरीदे चल जाती है, ऐसा कुछ नहीं, आगे पहुंच नहीं सकते जी, इस वास्ते लोग भी आप भी हाँ अपने में रहते हैं। यहाँ पे सबकी जरूरत है, यहाँ बारिश में बहुत परेश की सहूलत नहीं हो रही ना, घर को ला रहा ना कुछ आ रहा है यहाँ पर। ये हाफिज इनामदार, उनके बेटे गौस इनामदार, उनके जो जो बेटे है समझो उनके यहाँ पे सबसे उनकी चढ़ी यहाँ पे, उनके आगे समझो कोई जाता ही नहीं यहाँ पे, जो भी चीज़ लेकर आया तो पहले उनके पास जाना पड़ता, फिर बाद में दूसरों को बात करना पड़ता, हमारे पहले हमारे यहाँ पैसे भरो फिर हम ये काम करते, ऐसा है उनके पास का। हाँ नहीं तो फिर वो भी नहीं करना, तो दिल में आगा तो अभी हमारे को नालियाँ की, रोड की, लाइट की, हर चीज़ की यहाँ तक मीटर नहीं अंदर यहाँ पर। अभी ये लोग नहीं करे तो आप क्या करेंगे फिर? आप क्या करें, हम सब जगह जाके आके बैठ गए थक के, आप क्या करेंगे आगे? इन्हों कोई चलन दर इतने ना, इन्हों आगे बढ़न दर इतने ना हमारे लोग यहाँ पे। हाँ और यहाँ सब लोग मेहनत मजदूरी कर खाने वाले लोग हैं, कुछ अच्छा बड़े उनके टक्कर को लोग कोई है इतना बैठे वाले यहाँ पे, उनके टक्कर होते थे ना तो उनको जवाब देते थे, यहाँ पर कोई है इतना टक्कर जवाब देने वाले हैं? हाँ हाँ।
बिस्किट के पूरे हाथ में देगी मतलब आके तो बोलना ही तो बोला ना तुम बोला ना आप बोला तुम बोला आन देते थे ना यहाँ पे कोई गली का कोई वारिस बना देते यहाँ पे आन देते थे क्या घर कुल के लिए भरे थे लेकिन लोग फार्म हमारा खत्म करे थे फार्म आगे बढ़ने थे नहीं नहीं आंधी नहीं आंधी होनी यहाँ तक फार्म नहीं आया हम आपको यहाँ पे कोई चीज़ सहूलत ही नहीं है यहाँ पर तो फार्म कहाँ से आंधी है नहीं आए नहीं कोई आते ही नहीं यहाँ पे उन्होंने वहाँ रोड पे से छकालते आने लगे तो ये गली में कोई आता ही नहीं यहाँ पे रोड पे से छकाल देते हाँ हम लोग वहाँ पैसे जमा कर दूसरे घर से यहाँ पे भर डाले वाले यहाँ सब मिल के बारिश में आप आकर देखो कैसे हाथ बारिश के अंदर यहाँ पे बच्चे बूढ़े कैसे लोग चलते अजी मैयत गई तो उसे हाथ में लेना पड़ता रोड पे से लेकर खांदे मैयत लेना पड़ता डर तो है दिल में मगर उन्होंने बोलते कभी भी बिस्किट के पूरे हाथ में देंगे तुम आपको यहाँ से भगेंगे बोलते हाँ ऐसे बोलते उन बोलते कि नहीं मगर आप डरेंगे नहीं हम हाँ सब एक साथ मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह हाँ हाँ अल्लाह की मदद रहेंगे हम नहीं करेंगे वैसा 2500 रुपए हमने मीटर के भरे वाले मीटर वाले आए थे उनको मार के हकाल दिए मीटर उनके नगीच है हमको लेन दिए नहीं हाँ 2500 रुपए हमने भरे वाले हमारे पास पावती है हाँ कोटेशन इनके पास है हमारे पास है मीटर तो नहीं आन दिए उन्होंने हकाल दिए मार के उन्होंने बस ऐसी तकलीफ आपको नाला नहीं रोड़ा नहीं नला नहीं पानी की बहुत परेशानी कितने दूर से पानी ला रहे थे हम रोडों से बहुत तकलीफ है हमारे गली में बारिश में बहुत परेशानी होती ताला पानी में जान आना पड़ता दुकान किराना सामान लाने को नहीं नहीं बहुत गुनाहगार नहीं 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 कोई नहीं नहीं किराए की थी हाँ हाँ 200 रुपया और था वो हमने नहीं करे बोले नहीं वहाँ पे दूसरे तरफ के है वो हमने ना हम तो कोई भी आना बोलेंगे बड़े उनको देखो आप लोग आए तुम तो हम तुम्हारे तहकीका पूरा सुना दे रहे हमको बहुत तकलीफ है यहाँ पे हाँ बोलो बोलना हाफिज इनामदार सरवर इनामदार गौस इनामदार उनसे हमको बहुत तकलीफ है उन्होंने खुद का फ्लैट उनके खाला को बेच के उस पर कब्जा जमा के गैलेक्सी स्कूल बनाए